यूट्यूब पे जितने भी सभी को गुड इवनिंग। चलो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक नंबर से। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखो एक नंबर में क्या है यहाँ पे कि टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, और इसमें कौन स्थल में मतलब कौन चींटी रह सकता है। तो इसी तरीके से एमबीबीएस का मतलब क्या होता है, उभयचर या उभयचर जो भी उभयचर या जो भी, तो यहाँ पे कौन होगा जो कि दोनों जगह पे रह सकता है, तो वो कौन होगा आपका फ्रॉग होगा। ये हो गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोप का कॉमन जो दिखाई देगा, चलो इसका देखो सबसे निश्चित कूट भाषा में कह रहा इतना का अभिप्राय ये है, फिर और दिया है इसका अभिप्राय यहाँ पे दे रहा है, फिर बता रहा है कि इसका और यहाँ पे दे दिया है, अब पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप इसमें देखो कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है इसका ये कोड है, ये क्या है कोड है, फिर यहाँ दिया है इसका ये क्या है कोड है, फिर इसका यहाँ दिया हुआ है इसका ये क्या है कोड है ना। आप दोनों साइड में से किसी भी एक साइड जा करके आप ये देख सकते हो कि किसका कहां पे कोई कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले देखो कितना इसमें दिया है, एक दो तीन दिया है ना, तो तीनों में पहले एक साथ देखेंगे कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो तो तीनों में एक साथ कोई कॉमन है, जैसे पैट जो सीम तो सीम, तो यहाँ सीम और यहाँ पे तीन जो के, तो तीनों में कोई एक साथ दिख रहा है, तीनों में एक साथ है कोई, तीनों में एक साथ नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम दो दो को ध्यान देंगे, किसको ध्यान देंगे दो दो को। तो अब हम देखते हैं कि दो दो कौन सा मिल रहा है, तो इन दोनों में हमें एक सिम मिला और यहाँ भी सिम मिला, हम दोनों को ले लेते हैं सिम में। तो इधर अगर दो मिला तो इसका मतलब इसमें इन दोनों में भी हमें दो मिलना चाहिए, तो बताओ कौन मिल रहा है, यहाँ पे मैंगो और यहाँ भी क्या हो गया मैंगो। तो यहाँ पे यूज कर सकते हो सर्कल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, ये सब का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन लिखना ना पड़े, डायरेक्ट यहीं से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें हमें पता चल गया कि सिम का क्या है, सिम का हमारा निकल गया क्या मैंगो, क्या निकला मैंगोस यहाँ हो गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, क्या इन दोनों में कुछ और भी कोई कॉमन दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, अब चलो इस दूसरे और तीसरे में बताओ कोई कॉमन दिख रहा है, दूसरे कॉमन ये इन दोनों में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन दोनों में कोई कॉमन अभी हमें, अच्छा तीन दिख गया, तो यहाँ तीन को ऐसे कर दो और तीन को यहाँ कर दो, तो बताओ इन दोनों में भी, अब इन दोनों को देख रहे हैं दूसरा और तीसरा, तो यहाँ भी दूसरा और तीसरा में देखेंगे, बताओ कौन सा निकला स्वीट, तो इसको स्वीट ऐसे हमने कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि तीन का हमें पता चल गया कि क्या है स्वीट, ये है क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ दो था तो एक ही बचा ना, दूसरा में क्या बचा एक ही, तो अब देखते पहले और भी कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बताओ अभी हमने पहले दूसरे से कर लिया, दूसरा तीसरा कर लिया, आप पहला और तीसरा में बताओ कोई आ रहा है कॉमन, पहला तीसरा ये आ रहा है, तो इसको ऐसे करते हैं कि स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऐसे कर लिया। तो अब ये बताओ कि पहला और तीसरा, तो पहला ये है और तीसरा कौन सा है ये, तो बताओ इन दोनों में कोई आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं परचेज गुड और यहाँ पे ई पर गुड, तो इसका मतलब गुड आ गया, कौन आ गया गुड, तो इसका मतलब ये गुड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जू का भी समझ गए कि इसका क्या निकला है हमारा गुड, नहीं निकला है ना, ठीक, तो इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है ईट का, क्या पूछ रहा है ईट का। अब ये बताओ ये पहला का कोड है ना, ये कोड किसका है पहला का, ये किसका कोड है दूसरा का, ये कोड किसका था तीसरा का, तो सिंपल अब ये बताओ कि ईट किसमें है, किसका कोड है पहला का है, तो पहला में दो कॉमन लग चुका है और बचा क्या है यहाँ पैट, और यहाँ भी दो कॉमन लग चुका है बचा है क्या ईट, तो इसका मतलब ईट का ही क्या होगा पैट, तो बताओ यहाँ पूछ क्या रहा था ईट का, तो ईट का क्या हो जाएगा पैट हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये समझ में आ गया, बना लिया सब लोग, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये जो सर्कल ऊपर बता रहा हूं इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो आपको करना ये होगा कि आपको लिखना पड़ेगा अलग से, ठीक है।
लेकिन अगर डायरेक्ट ये सर्कल का, स्क्वायर का, ये सब का यूज करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बताओ क्या आया आप लोग का आंसर, सी आया है, डी आया? चलो इस क्वेश्चन का देखते हैं, जरा यूट्यूब पे भी बताओ क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग इसका बताओ। देखो यहां पे अगर हम देखें ना यहां पे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको कितना होता है, तीन है ना, तीन, लेकिन यहां पे क्या दिया है, चार, मतलब तीन में एक को बढ़ा दिया तो कितना हो गया, चार, तो चार तो दे दिया, और जो चार हुआ ना इस चार को भी यहां लिख भी दिया है, क्या है, लिख दिया है। चलो जल्दी से सभी लोग YouTube पे आ जाओ लाइव, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करना है, यहाँ पे हमें पता चला तीन है, तीन में एक बढ़ा दिया कितना हो गया चार, और चार का क्या होता है, डी, डी तो हमने लिख दिया, और जो चार होता है उसको भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये क्या है, पंद्रह ना, पंद्रह, पंद्रह में एक बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, सोलह, और सोलह का एक यूनिट डिजिट जो होता है उसको लिख दिया है, एक ही डिजिट लिखना है, जैसे मैं लिख के यहां बताता हूं, सी ओ सी के है ना, तो इसमें एक को क्या किया, इसका तीन होता है, एक बढ़ा दिया तो तीन एक कितना हो गया चार, और चार का क्या होता है अल्फा, ये लेटर डी लिख दिया। चलो इसका देखते हैं, इसमें एक बढ़ा दिया तो ये पंद्रह होता है, पंद्रह में एक बढ़ाएगा तो कितना होगा सोलह, कितना हो गया सोलह, लेकिन सोलह का सिर्फ सिक्स लिखा, क्या लिखा सिक्स, और सोलह का क्या होता है पी, पी लिख दिया, देखो है ना पी, पी सिक्स। अब ये बताओ आगे फिर सी है, इस सी को तो सी है तो सी का कितना होता है तीन, तीन में एक बढ़ा देगा, बढ़ा देगा तो कितना होगा चार, चार होगा तो चार को तो लिखेगा ही, और चार का क्या होता है डी, देखो है ना डी। अब उसके बाद के का देखते हैं, के का इसका कितना होता है ग्यारह, ग्यारह में एक बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा बारह होगा, लेकिन इसका केवल दो लिखेगा, कितना लिखेगा दो, और बारह क्या होता है बारह को एल होता है, तो देखो यही चीज है ना, यहाँ पे सेम है ना, क्या है, तो जब सेम है तो आप बताओ यहाँ पे हेंस को क्या करोगे, हेंस को यहाँ आठ है, यहाँ पे पांच है, चौदह है, तीन है, और ये कितना होता है पांच, इसको करो क्या करोगे, आठ में एक बढ़ाओगे कितना होगा नौ, और नौ का क्या होगा लेटर का क्या होता है आई, तो यहां पे हम कर देंगे आई, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है ए वन नहीं, मतलब क्या होगा ये थोड़ा सा, हाँ आई होगा, ठीक है ये हो गया। अच्छा ये फिर से बताओ, ये पांच है ना, पांच, पांच तो लिखेगा ही, और पांच का क्या होगा ई होगा, तो बताओ कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है, अच्छा एक बढ़ाएगा, एक बढ़ाएगा, एक बढ़ाएगा, पांच के बाद एक क्या कर देगा बढ़ा देगा, इसमें भी एक बढ़ाया है, इसमें भी एक बढ़ाएगा तो क्या होगा छह, और छह का क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, तो छह और छह का क्या हो गया एफ, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ अच्छा चलो इसको और भी करना है, यहाँ पे चौदह है, चौदह से एक हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह का क्या होगा पांच, और पंद्रह किसका होता है ओ का, ठीक है। उसके बाद ये सी, तीन से बढ़ के एक हो गया चार, और चार किसका होता है डी का, पांच से बढ़ के एक हो गया छह, और छह किसका होता है एफ का, ऐसा कोई ऑप्शन है डी नंबर ये, चलो आपके अकॉर्डिंग मैंने कह दिया आंसर, ठीक है। यूट्यूब पे सभी लोग जुड़ गए, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है समझ में आ गया ना आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सभी लोग, क्या होगा ए नंबर। तो देखो इसमें क्या किया है कि तेरह का स्क्वायर कर दिया है, क्या किया है तेरह का स्क्वायर किया है, तो तेरह का स्क्वायर 169, बारह का स्क्वायर कितना हो गया 144, और पांच का स्क्वायर कितना होगा 25, इन दोनों को जरा जोड़ दो तो देखो तो 169 हो रहा है, बोला है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों को करेंगे कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 625, अब 24 का स्क्वायर 576, और यहाँ पे 7 रख देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 7 नंबर, ठीक है। धीरज बिहारी सब ठीक है, इसको आंसर आप लोग भी देते जाओ सबका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा,
देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो दो प्लस जोड़ा बना है तो यहाँ जीरो जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ जीरो और यहाँ जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ जीरो जीरो का प्लस बनाया तो यहाँ पे प्लस प्लस का बन जाएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हो गया ना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ क्या है, क्या होगा? डी नंबर। हाँ आंसर तो यही है, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। एक बिंदु बी है और बी से दो फ्रेंड कहता राज और राय बी बिंदु पर खड़े हैं, तो मान लो यहां बी बिंदु पर खड़े हैं कौन कौन? राज और राय। अब कहता है दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, तो एक इधर चलेगा और एक इधर चलेगा। अब कहता है क्या कि राज 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर चला, तो मान लो कि इधर, ठीक है, मान लो इधर चला कौन? राज। तो राज को इधर कर देता हूं तो ये 3 किलोमीटर, और मान लो ये चला और कौन? राय, तो ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है क्या यहां पे चला, फिर राज दाएं मुड़ा, तो बताओ राज दाएं मुड़ेगा? राज मुझे लगता है गलती है, क्या कह रहा है यहां पे? चलना शुरू, दोनों बेटे के सामने चलना शुरू करता है। राज 3 किलोमीटर चला और राय 4 किलोमीटर चला, फिर राज दाएं मुड़ा, तो राज क्या होगा? दाएं मुड़ा। तो दाएं क्या होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर होगा, दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ा। और दाएं मुड़ करके क्या होगा, कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है, तो यहां लिख दो 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर चला। और फिर कह रहा है कि राय बाएं मुड़ा, तो राय बाएं मुड़ेगा, राय ऐसे चल रहा है तो ऊपर होगा बाएं, तो बाएं मुड़ेगा, और कितना चल रहा है? ये 3 किलोमीटर चला, तो ये 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, हो गया चला। अब पूछ रहा है कि वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? बी। तो अब ये बताओ कि प्रारंभिक बिंदु से अगर पूछ रहा है हमसे तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि ये हमें ऐसे पता होना चाहिए, ऐसे पता होना चाहिए ना। आप ट्रिपल टाइट रूल पढ़े हो मैथ्स में, आप लोग पढ़ते हो ट्रिपल टाइट रूल। ये कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये 4 है ये 3 है तो ये कितना होगा? 5 होगा ही। तो यहां पर देखो ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना होगा? 5। और ये 3 है और ये 4 है तो कितना होगा? 5। तो इसका मतलब है कि दोनों 5-5 किलोमीटर है, तो हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? यूट्यूब पे आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सोनू एसडीएम कुमार, थैंक यू सभी को, गुड इवनिंग। चलो सभी लोग अब ध्यान दे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे पूरा फोकस करो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का थोड़ा ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक होता है? ट्रिक ये होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप सिर्फ ये देख लो कि यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है। ए परसेंट बी का अर्थ है बी की पुत्री ए है, मतलब ये बी की पुत्री कौन है? ए। तो यहाँ पे बी की पुत्री ए हुआ, तो यहाँ पे जेंडर किसका डिसाइड हुआ? यहाँ दो चीज से इसका ट्रिक लगाते हैं, 2G। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में? 2G। 2G क्या है? एक से जेंडर, एक से क्या होता है? जेंडर मतलब लिंग, लिंग निर्धारण करते हैं, और दूसरा से होता है जेनरेशन। क्या होता है? जेनरेशन। जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी देखते हैं। ये दो ट्रिक, लेकिन सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, देन आफ्टर जेनरेशन, ठीक है। अगर आप ये दो ट्रिक जानते हो तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत टाइम टेकन होगा, है तो फ्री लेकिन बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लेगा। तो कैसे करेंगे? यहां पर कह रहा है कि का अर्थ है कि बी की पुत्री कौन है? ए। तो हमने ए के ऊपर लगा दिया। फिर दूसरा कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है कि बी का भाई ए है, तो बी का भाई है तो भाई ए है, ए के ऊपर प्लस कर दिया। आगे फिर कहता है गुना का अर्थ है कि बी का पिता ए है, तो बी का पिता ए है तो ये पिता हो गया, ये नीचे हो गया, यहां कर लेंगे, क्लियर है। अब थोड़ा सा यहां पे आते हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है विकल्प में कौन सा विकल्प? एन का पोता एम है, तो यहां बोलो जेंडर किसका डिसाइड हो रहा है? एन का पोता एम है, कौन है जेंडर यहां पे? एन का पोता एम, और एम क्या हो गया? प्लस। एम क्या हो गया? प्लस। अब हम चारों ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि किस एम पे जाकर के परसेंटेज पता चल रहा है कि कहां पे कौन सा लिंग है, मेल है या फीमेल। और एक बात ध्यान में रखना, यहां क्वेश्चन में उल्टा कह रहा है, मतलब कह रहा है ना, तो जो भी मालूम हो रहा है पहले वाले का हो रहा है ना, यहां भी पहले वाले का मालूम हो रहा है,
यहां भी पहले वाले का मालूम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा? ठीक है, बोलो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि एम लास्ट में है ना, तो इसके आगे जब तक कुछ नहीं होगा तब तक इसका डिसाइड होगा, इसका मतलब ये प्लस है या माइनस है ये हम क्लियर कभी नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। दूसरा अब देखो, दूसरा ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं और यहां भी देखते हैं कि यहां तो खैर एम है ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दो, एम है ही नहीं। अब यहां देखो इन दोनों ऑप्शन में कोई एक होगा, तो इन दोनों ऑप्शन में बताओ, पहले परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि यहां पे माइनस होगा, परसेंटेज का मतलब क्या है? पहला वाला माइनस। अच्छा चलो माइनस के केस में देख लेते हैं, माइनस के केस में कहां है, पहला वाला क्या होगा? प्लस होगा। अब बताओ दो ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है? सी। तो क्या इसको बनाने की कोई जरूरत है? तो इसका मतलब है कि इन सब टाइप के क्वेश्चन में हम सिर्फ क्या लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे। हम ये नहीं कि जाके सबको क्या कर रहे हैं, पूरा डायग्राम बनाने लगे। ठीक है, समझ गए? इसको डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया यूट्यूब पे सभी को क्लास? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को, ये एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन वाला है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। इसमें करना कुछ ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे ये दिया है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ बोला है कि प्लस है, ठीक है, उसके बाद ये एरो दिया है और इसका अर्थ क्या बोला है? माइनस। इसका अर्थ क्या है? माइनस। ऊपर वाला एरो दिया है उसके बाद बोला है इसका अर्थ क्या है? फिर प्लस है, और फिर नीचे वाला दिया है और इसका बोला है गुना है। अब ये पावर दिया है और पावर का अर्थ है इक्वल, ठीक है। इसमें आप जितना भी है ना इसको रखना, इसमें चेक ही करना पड़ेगा, तो मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता देता हूं, आप चेक कर लेना इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे भी ये सब जो भी है इसको आप थोड़ा सा फिर से देख लेना, सबका वैल्यू रख के करोगे देख लेना, यही आपका आंसर होगा। इसको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। ये वाला बताओ क्वेश्चन यूट्यूब पे, सभी लोग इसका आंसर दोगे? सभी लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर? अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेवन नंबर अगेन, कौन है सेवन नंबर, क्या है सेवन नंबर में? सेवन नंबर अगेन, देखो सेवन नंबर अगेन ये थोड़ा सा, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, लेकिन एक बात कि आप YouTube पे देख रहे हो तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हो, इसलिए बार बार इसको आप अभी मत बोला करो। इसमें क्या है कि पहले में यहाँ के बी की पुत्र इसका माइनस हुआ, माइनस का मतलब ये कह रहा है कि भाई है तो इसका मतलब ये प्लस हुआ, और गुना में कह रहा है कि बी का पिता है ए तो ये प्लस हो गया। अब हम देखते हैं कि जो भी हो रहा है इसमें सबसे पहले वाले का डिसाइड हो पा रहा है, पहले वाले का डिसाइड, तो यहाँ ये लास्ट में तो ये प्लस या माइनस डिसाइड हो पाएगा? कभी नहीं, तो इसको तो गलत कर देंगे। इसमें एम है ही नहीं तो गलत हो गया, बचा ये दो। तो इन दोनों में देखो परसेंटेज में क्या कह रहा है कि इसमें माइनस होगा, इन दोनों का रिलेशन अगर देखें तो इन दोनों में पहले वाला क्या होता है? माइनस माइनस, लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे? प्लस चाहिए, तो ये तो माइनस हो गया, तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो बचा जो ऑप्शन वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो बता ही दिया इसका आंसर क्या होगा, दो होगा। चलो इस क्वेश्चन को रहने देता हूं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये सी नंबर, बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। इसमें बताने की जरूरत है? देखो मानव के यहां पे ये मानव है, ये क्या है? मानव। और मानव के अंदर में माता, उसके बाद बच्चे, ठीक है, और उसके बाद पिता, यही है ना। एक बात बताओ कि अगर इन दोनों में अगर हम देखें तो ये रिलेशन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ही बाद में चल के क्या हो जाएंगे, माता, कुछ बच्चे ही बाद में चल के क्या बनेंगे, पिता बनेंगे, इसलिए इसका क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है, लेकिन ये डिजिट का है क्वेश्चन, बना है आप लोगों से, क्या इसका आंसर आया है? अच्छा ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा बनाना होगा क्या, तो देखते हैं क्या है। 55 बच्चे हैं एक बैच में, 10 बच्चे केवल वनीला, तो 10 बच्चे केवल वनीला, 10 बच्चे केवल वनीला, 10 बच्चे केवल वनीला, ठीक है, वनीला केवल वनीला, और इसके बाद क्या है, 10 बच्चे केवल वनीला हो गया, पसंद करते हैं 10 बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, 10 बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी,
ऐसा करता हूं, 10 बच्चे को स्ट्रॉबेरी कर देता हूं, स्ट्रॉबेरी ऐसे स्ट्रॉबेरी हो गया। फिर आगे बोला है कि 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं, तो वनीला और चॉकलेट यहां पे क्या कर देता हूं, चॉकलेट, 10 बच्चे दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। 15 बच्चे केवल चॉकलेट पसंद करते हैं, तो इसका मतलब 15 बच्चे केवल क्या पसंद करते हैं, केवल, तो इसलिए हमने इसको चॉकलेट के अंदर हटा दिया, ठीक है। 5 स्ट्रॉबेरी और क्या है, बटर स्कॉच, 5 स्ट्रॉबेरी और क्या करते हैं, बटर स्कॉच। अच्छा देख लेते हैं, 5 चॉकलेट और बटर स्कॉच, मतलब बीच में अगर बना दे, ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो ये बन गया बटर स्कॉच, ठीक है। देखो क्या बोला है कि 15 बच्चे केवल चॉकलेट, 5 बच्चे स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच। तो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, मतलब ये 5 हो गया। यहाँ पे आगे बोल रहा है क्या कि 5 दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच, इसका मतलब जो 5 है चॉकलेट और बटर स्कॉच, देखो तो दोनों है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ये डायग्राम बनाया है आप लोगों से, बना है, अगर आप ये डायग्राम बनाए होंगे तभी जाके ये बनेगा, अदरवाइज अगर ऐसे, ठीक है, तो उसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी। ये डायग्राम बना लो। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चे और वनीला पसंद करने वाले, तो बटर स्कॉच कौन है, कितने हैं बटर स्कॉच, 5, 5, 10, ठीक है, बटर स्कॉच हो गया। और उसके बाद क्या है, वनीला, तो वनीला कितना है, 10, 10, 20, और दोनों के बीच में क्या बोल रहा है, अनुपात, तो अनुपात कर देंगे, 1:0, 1:0 कैंसिल, 1:2, आंसर क्या हो जाएगा, क्या है आंसर, चलो क्लियर है, यूट्यूब पे भी, चलो अब इसके आगे हम निकाल, लेकिन देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊंगा सर इसी से रिलेटेड है, तो फिर मुझे लगता है ये रफ हो जाएगा, तो आगे कर लोगे यूट्यूब पे भी, ये आप बना लो डायग्राम, इसको देख करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, मैं अगर नेक्स्ट करूंगा तो ये रफ हो जाएगा, ठीक है, नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अच्छा है तब तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सभी लैपटॉप क्या है, बोर्ड है, सभी लैपटॉप क्या है, बोर्ड है, देखो सभी लैपटॉप क्या है, लैपटॉप, सभी लैपटॉप क्या है, यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड है, कुछ प्रिंटर क्या है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप के साथ बोला है कुछ प्रिंटर, तो प्रिंटर हो गया प्रिंटर, और कह रहा है सभी कीबोर्ड स्कैनर है, सभी कीबोर्ड की क्या है, स्कैनर है, स्कैनर है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख करके आपको बनाना है यहां पे आंसर, तो कह रहा है कि कुछ स्कैनर लैपटॉप है, कुछ स्कैनर क्या है, लैपटॉप है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। कुछ प्रिंटर क्या है, स्कैनर है, कुछ प्रिंटर क्या है, स्कैनर है, ये पाठ तो आ रहा है ना, स्कैनर में आ रहा है ये, इसका मतलब ये भी सही है। अच्छा सभी लैपटॉप स्कैनर है, तो सभी लैपटॉप क्या दिख रहा है, स्कैनर के अंदर दिख रहा है ना, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही। आप कह रहे कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है, कुछ लैपटॉप स्कैनर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टोटल तो स्कैनर के अंदर ही है ना, तो इसका मतलब कुछ की तो बात ही नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या है, गलत है, तो इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम ज्यादा हो गया क्या, कितने नंबर पे थे हम लोग, ये है ना, हाँ 12 हो गया ना, 12 नहीं हुआ है ये, चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कहा जा रहा है क्या, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है, ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा, तो कह रहा है कि चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में काम करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये होना चाहिए, जो साइंटिस्ट है उसको बोल देना चाहिए कि भाई अपना वो काम छोड़ दो और डॉक्टर बन जाओ, ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, गलत है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कहता है बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका केवल 2, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा इसका, डी नंबर आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इसका आंसर दो जल्दी से आप लोग, इसका आंसर दो,
यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है। एक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, ये कह रहा है। अब निष्कर्ष और निष्कर्ष जब भी निकालते हो वो 100% सही होता है, और जब भी निष्कर्ष की बात हो तो आप उसको रियल लाइफ से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? रियल लाइफ से। 100% ये सही होना चाहिए, ठीक है। चलो आप बताओ, कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, ठीक है, और कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है, तो दोनों बात क्या है? दोनों बात सही है। अगर एक तरीके से देखें तो कुछ को अच्छा भी लगता है, कुछ को खराब भी लगता है। लेकिन हाँ, खराब के केस में भी वो एक तरीके से दुनिया बनाता है, वो अपने तरीके का बनाता है, और अगर तो अच्छे के तरीके से तो वो भी एक अपना ही अलग बनाता है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये, एक विज्ञापन, जब भी विज्ञापन का क्वेश्चन आया ना तो थोड़ा वहां एक चीज ध्यान रखना। विज्ञापन में कहा गया, तो क्या कहा गया? कि सौंदर्य क्रीम के प्रयोग करें और एक सप्ताह में दोगुना चमक तक निखार देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब ये बताओ इसमें क्या होगा? कह रहा है क्या आश्वासन वास्तविक नहीं है? तो देखो यहां जो वास्तविक बोला है ना, तो ये जो आश्वासन दिया है ना विज्ञापन, ऐसा होता है कि बहुत सारा विज्ञापन जो भी दिया जाता है, जरूरी नहीं कि सब झूठा ही होता है, कुछ सच्चाई भी रहता है और कुछ में क्या रहता है, मतलब वो सच्चाई उसमें नहीं भी रहती है। लेकिन इसने कहा कि वास्तविक नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वो वास्तविक बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, तो हम तो एक तो ये बात जान लो कि इसमें नेगेटिव सेंस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? नेगेटिव सेंस, इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, कुछ लोग सुंदर होना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल तभी जाके तो विज्ञापन दिया जा रहा है। अगर डिमांड ही नहीं रहती तो ऐसा कोई सप्लाई करता नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? दो, ओनली टू, तो कौन सा है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज थोड़ा सा टाइम लेट से हुआ इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 क्लर्क की नौकरियों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता दिया है। न्यूनतम योग्यता मानदंड स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या है? केवल वे लोग ही आवेदन देंगे जिन्हें स्नातक की डिग्री पास की है, सही है या गलत? देखो यहां पर बात यह है कि जो यहां जो दिया गया है स्नातक का डिग्री दिया है, अगर आपको बोला जाएगा कि केवल आप लोग दरोगा का एग्जाम में वही बैठ सकते हो जो इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, तो बताओ कि अगर कोई कहता है कि केवल वही लोग भरेंगे फॉर्म जो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो सही है कि गलत? सही है, तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। कभी कभी ये केबल देकर के आपको कंफ्यूज कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर वक्त ये केबल देके आप। अब यहां देखो, अधिस्नातक मतलब जो एमए कर लेता है, क्या वो भर सकता है कि नहीं? तो इसने तो मिनिमम बताया है ना, यहां पे क्या बोला है? न्यूनतम। इसने मैक्सिमम का तो नहीं बोला है ना कुछ भी, तो न्यूनतम बताया ग्रेजुएशन, तो इसका मतलब आगे वाला कोई भी डिग्री लेके रखा हो तो वो भर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये देखो, ये जो है ना डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। किसका है? डेटा सफिशियंसी। इसमें क्या कह रहा है बताओ कि क्या इस जो चाइना यहाँ पे दिख रहा है, इसका आंसर, इसका जो कोड है, कोड कैसे किया है? क्या इससे किया जा सकता है या इससे किया जा सकता है या दोनों को मिलाकर किया जा सकता है? दोनों को मिलाकर जरूर देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर हम इसको देखते हैं कि इसी को उल्टा फिर के इधर उधर कर दिया, तो इसको करते एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पे कर देते हैं इसको कौन सा आया है? पांच। ये कौन सा जगह पे है? एक। ये कौन सा? तीसरा। ये एच किस पोजीशन पे? दूसरा। और ये कौन सा पोजीशन है? एल कितना है? चौथा। तो इसका मतलब है कि चाइना को भी अगर एक दो तीन चार पांच कर दे और उल्टा करके सबसे पहले पांच, उसके बाद एक, उसके बाद तीन, उसके बाद कितना है? दो, और उसका चार कर दे, तो बिल्कुल इसका कोड किया जा सकता है ना। तो इसका मतलब इससे भी किया जा सकता है। अच्छा, इससे किया जा सकता है बता तू? इसको भी एकदम सेम ऐसे ही कर दिया है, कर दिया है ना, जो ऊपर का संसद थे। इसका मतलब इससे भी किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से भी किया जा सकता है और दो से भी किया जा सकता है। तो इसमें कौन आंसर होगा? उत्तर देने के लिए एक या दो पर्याप्त है, मतलब या तो एक से हम दे सकते हैं या फिर हम दो से दे सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर के तो नहीं है ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बताओ क्या होगा इसका आंसर। जैसे देखो, कोई कहता है कि कंपनी में, ठीक है, बिक्री का पता लगाना है। क्या लगाना है? बिक्री का
पता लगाना है कि बिक्री कैसी रही। तो इसका मतलब है कि अगर ये बता दे कोई कि हाँ टोटल सामान कितना था और ये सामान बिका कितना और किस भाव से बिका, तो बताओ उससे हम पता चल जाएगा ना कि टोटल कितनी आमदनी हुई, हो सकता है ना। तो इसका मतलब इससे तो हिसाब दिया जा सकता है। अच्छा ये बताओ उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। अच्छा बताओ यहाँ पे बिक्री पूछ रहा है और ये उत्पादन की बात कर रहा है कि कोई दूसरा, क्या उससे कनेक्ट हो रहा है? नहीं, तो ये तो है ही नहीं। तो इसका आंसर केवल किससे दिया जा सकता है? एक से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? यहाँ पे उचित जवाब देने के लिए कथन एक अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन दो अकेले पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि ये क्या होगा, जरा इसको अच्छे से बना, क्या आंसर आया है आप लोग का? एम आया है। देखो यहां पे ध्यान देना कि यहां पे क्वेश्चन बोला है, यहां पे आठवां, क्या बोला है? आठवां। और यहां पे पद के, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? वहां वे है और यहां के है ना। तो इसका मतलब है कि जब वे की बात करें ना, तो उसी से स्टार्ट करो जहां से आप शुरू इस बोला है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि बाएं से, तो बाया इधर है, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठवां हो गया। अब कह रहा है के, तो के का मतलब होता है छोड़कर। के का मतलब क्या होता है? छोड़कर, छोड़कर। ठीक है, एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग मतलब इसको छोड़ के अब काउंट करना है। अब दाई ओर, तो ये बताओ कि इसका दाई ओर इधर होगा और दाई इधर, तो इधर हमें जाना है। तो इधर जाना है कितना? दाई ओर पांचवा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन आ गया? एम। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम। तो इसमें दो बातें ध्यान में रखना था, वो ध्यान में रखना था और के ध्यान में रखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो आप क्या करो, यहां 31 दिसंबर और यहां भी 31 दिसंबर, दोनों को कट कर दो, बचा कितना? 2009 से 2005 कितना बचा? चार साल। अच्छा बताओ इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितना आएगा? एक, एक जोड़ देंगे, इससे ये और डेज निकल जाएगा। तो पांच और पांच सात से क्या है? छोटा। तो यही हमारा और डेज हो गया, हो गया। अब देखो 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था और शनिवार से 2009 कितना? 9 में। तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं इसका मतलब शनिवार में कितना दिन जोड़ देंगे? पांच दिन। पांच दिन जोड़ दो या दो दिन घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्सडे। क्या जाएगा? थर्सडे, मतलब क्या आ जाएगा? गुरुवार। आया है आप सभी लोग का? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर देखे, आज लगता है पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो एक घड़ी घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले आपको स्पीड पता होना चाहिए। जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली, वो बताओ हाफ डिग्री पर मिनट चलती है, हाफ डिग्री पर मिनट। और मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 6 डिग्री पर मिनट चलती है। कितना डिग्री? 6 मिनट पर डिग्री। अच्छा ये बताओ एक मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट की सुई, और यहां पर घंटे वाली कितना? सिर्फ आधा डिग्री चलती है ना, चलती है। तो ये बताओ कि अगर 6 मिनट की बात करें तो इसको कितना डिग्री करना पड़ेगा? अगर ये है 6 डिग्री पर मिनट है ना, और फिर आगे बोला उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री में घूमेगी। ठीक है, तो इसको हमें बस इतना करना है कि हम जानते हैं कि एक डिग्री में, मतलब कि ऐसे जैसे घड़ी है, इसको जैसे हाफ डिग्री है ना, हाफ, यहाँ पे हम ये देंगे कि एक मिनट में कितना डिग्री चलती है, हाफ डिग्री चलती है। एक मिनट में क्या चलती है? हाफ डिग्री, घंटे वाली सुई चलती है। तो इसलिए अगर हम इसको देखें कि हमें 6 डिग्री में निकालना हो, क्या निकालना हो? 6 डिग्री, चाहे एक कर लो, पहले क्या कर लो आप? एक कर लो, नहीं तो ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर एक करे तो ये ऊपर हो जाएगा 1/2, और इसके नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना डिग्री? 2 डिग्री। अब हमें 6 डिग्री में निकालना है, तो 2 डिग्री और गुना 6 डिग्री कितना हो जाएगा? 12 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? 18 डिग्री आगे घूमेगी, तो 12 डिग्री पर मिनट और गुणे क्या कर देंगे? 18। तो कितना हो जाएगा? 18 गुणे 36, 36 6 तीनों में है, करना पड़ेगा, 216 होगा। कितना होगा?
216, ये होगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको फिर से आप देख लेना, यूट्यूब पे है ये, पूरा फ्री है तो आप देख सकते हो दोबारा। चलो इस क्वेश्चन को करो, जरा इस क्वेश्चन को करो, क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आपको सिंपली ये करना है कि इसमें बड़ा कौन है, 16 जुलाई है ना, 16 जुलाई आप लिख लो ऐसे, यहां पे सबसे पहले आप लिखना वर्ष, क्या लिखोगे वर्ष, उसके बाद कौन सा होगा महीना, उसके बाद कौन सा होगा दिन, उसके बाद कौन सा होगा घंटा, उसके बाद कौन सा होगा मिनट, और मिनट के बाद क्या होगा सेकंड। अगर ये टेक्निक लगाओगे इस टाइप के क्वेश्चन आइए पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, ठीक है। अब इसको पहले ये वाला बड़ा वाला लिखो, तो क्या है 2000 कितना दिया है 2020, उसके बाद महीना में कितना दिया है जुलाई, जुलाई का मतलब कितना होता है 7, उसके बाद दिन कितना दिया है 16, उसके बाद ये टाइम कितना दिया है 12:12:38 सेकंड दिया है, नहीं तो सेकंड को छोड़ दो, हो गया सेकंड को हमने छोड़ दिया। अब दूसरा कह रहा है कि ये 19, तो पहले 2019 लिखो, 2019 कौन सा महीना दिया है जुलाई, जुलाई का मतलब 7, और कितना तारीख दिया है 15 दिन, उसके बाद टाइम क्या दिया है 12:46, तो 12 और ये दिया है 46, अब इसको आप घटाओ, ठीक है। तो देखो यहां से 38 में तो नहीं घटेगा, तो इसमें से एक घंटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 11 और यहां हो जाएगा 60, जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, तब बचेगा ये 52 मिनट, कितना बचेगा 52, इन दोनों को जोड़ दो 8 और 6 3 9, कितना हो गया 98, घटा दो 6 में 8 में से 2 गया, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। अब यहां बचा 11, 11 में 12 जाएगा नहीं जाएगा, तो एक दिन इसमें कॉमन, तो यहां 15 दिन बचा, लेकिन एक दिन आने का मतलब यहां पे कितना घंटा हो गया 24 घंटा, ठीक है। तो 24 में 12 गया 12, 12 और 11 कितना हो गया 23 घंटा हो गया। अब फिर आगे आ जाओ, यहां 15 में 15 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो दिन क्या हो गया 0 हो गया। और अब यहां पे ये बताओ कि यहां पे क्या महीना भी 7 में 7 गया, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा ये टाइम सही लिखा ना, 15 लिखा था, 15 यहां 15 लिखा था ना, ठीक है, मुझे लगता है सही लिखा था ना, हाँ यहां पे 15 है, ठीक। अब देखो यहां पे 16 तारीख है, मुझे लगता है 16 नहीं 15 होना चाहिए था, चलो कोई भी देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। अब यहां घटाएंगे तो यहां पे कितना साल होगा 1 साल, लेकिन ये कौन सा साल है लीप ईयर, लीप ईयर है इसलिए कितना दिन होगा 366 दिन, ठीक है, कितना दिन होगा 366 दिन। तो ये बताओ कि 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट, है कोई ऑप्शन, हाँ है, तो क्या हो जाएगा ये आपका सी होगा, ये समझ गए इसको, ये जैसे डेट ऑफ बर्थ अपना घटाते हैं ना वैसे ही यहां पे इसको घटाना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो हो गया, इसको आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये बताओ क्या होगा इसका आंसर, मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा, ये होगा डी नंबर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, या तो आप काउंट कर लो, या दूसरा मेथड ये होता है कि आप इसको डॉट डॉट ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ये बताओ कि अगर इसको हम ऐसे करें तो इस टाइप से क्वेश्चन बना, इस टाइप से क्वेश्चन बना, और 1 2 3 एन का वैल्यू कितना हो गया 3, ये विषम हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये एन इंटू एन प्लस टू, टू एन प्लस 1 माइनस 1, ये वाला, ठीक है। इससे क्या करेंगे, अगर करेंगे 1 यहां पे कितना है, यहां पे ऐसे ब्रैकेट करो, कितना हो जाएगा 3, 3 2 5, 3 2 6 1 7 माइनस 1, इसको जब करेंगे तो 1/8, यहां 5 से 15 और 15 से 105 और 1 घटा देंगे 104, जब इसको करेंगे भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचा 2, 8 या 24 कट जाएगा, तो कितना होगा 13। तो एक बात बताओ कि एक पार्ट में हमें कितना निकला 13, और इसका मतलब इधर भी क्या निकलेगा 13, लेकिन एक चीज के 1 2 3 4 ट्रेंगल हम ज्यादा काउंट कर चुके हैं, इसका मतलब 13 13 कितना होगा 26 माइनस 4 कितना बचा 22। अच्छा आप चलो एक चीज ध्यान दो कि ये जरा ये ध्यान देना कि ये वाला जो ट्रेंगल है इसमें ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला 1 2 3 4 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है ना, तो दोनों में से है तो इसलिए 4 को और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 18। तो आप क्या कर सकते हो 18, एक मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो काउंट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये है पजल, पजल है ये, बन गया आप लोगों का,
इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, जैसे जो भी दिया है ना नाम उसको आप लिख लो, क्या करो आप नाम को लिख लो, क्या नाम दिया है, मुंह दिया है, मुंह दिया है और क्या दिया है, जल्दी बोलो, मुंह दिया है, उसके बाद मुंह दिया है और क्या दिया है, मुंह दिया है, यही दिया है ना, एक दो तीन चार पांच, पांच ही है ना, हाँ पांच है। अब देखो इसमें कह रहा है क्या यहां से कि मुंह ना तो केला लेता है ना ही नारंगी, तो मुंह के पास आओ और एक दो पार्ट इसको बना सकते हो, इसको दो पार्ट बना सकते हो, इस साइड वो कि जो नहीं लेता हो, इस साइड वो जो लेता हो। तो ये बताओ मुंह के बारे में कह रहा है क्या कि ये कौन, केला और नारंगी नहीं, मतलब केला या नारंगी, नारंगी ये नहीं पसंद करता है, दूसरे मुंह को से पसंद है, तो मुंह के सामने आओ, मुंह के सामने और इसके सामने लिख दो सेब, हो गया। आगे फिर कह रहा है क्या, यहाँ कु ना तो आलू बुखारा लेता है ना तो केला लेता है, तो ये कु है, क्या है कु, तो कु में आके आलू बुखारा और केला, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, केला नहीं लेता है। और फिर फू सेब लेना चाहता था लेकिन आम ले लेता है, कोई बात नहीं जो ले लिया वही दे दो इसको, आम ले लिया, क्लियर है। अब एक बात यहां तक हो गया, अब जरा यहां ध्यान देते हैं कि यहां पे कि इन दोनों में यहां पे तीन चीज हमें देखना है कि क्या होगा। तो अब देखो यहां पे सेब आ गया, आम आ गया, यहां पे कह रहा है कि केला और आम, दोनों में केला है ना, तो केला को दोनों से कैंसिल कर दो, केला को दोनों से कैंसिल कर दो। अब बताओ कि ये नारंगी तो नहीं ले सकता ना, तो क्या लेगा, इसको दे दो आलू बुखारा दे दो, ठीक है, और इसको क्या दे दो, नारंगी दे दो। तो आप बचा एक कौन सा बच रहा है, केला, तो केला कौन आ जाएगा, केला यहां हो गया हूं के पास, समझ गए इसको, कर लोगे, ठीक ये हो गया, आगे बढ़े, ठीक है, चलो होगा होगा, मैथ्स की भी क्लास होगी, बस इस टेस्ट को थोड़ा खत्म हो जाने दो, मैथ्स की भी क्लास होगी, ठीक है। अब एंड पोजीशन पे ही है ये, तो बना लोगे आप तीनों चारों, ठीक है, मुझे लगता है खत्म ही हो गया क्या, अच्छा एक बचा हुआ है, ये बना लिया आप सब लोग, बन जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे है तो उनके लिए तो बताना ही होगा ना, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से कर लेते हैं। कितने हैं, छह, तो छह आप इसको ऐसे कर सकते हो, जब भी बोला है कि आमने सामने, ठीक है, तो एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, हो गया, इस टाइप से सब बीच में है। अब कह रहा है कि मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी हुई है, ठीक है, तो पहले बनाएंगे जूली, जूली, और कह रहा है कि मैरी जो है जूली के बगल में दाईं ओर, तो दाईं ओर कौन है ये, तो यहां पे कौन बैठा है, मैरी, ठीक है। आगे फिर कहा जा रहा है कि लीली फेरी के पास नहीं बैठी है, तो अभी लीली की बात ही नहीं, अभी छोड़ दो, अभी देखो जूली के पास बाई ओर बैठी छात्रा, तो जूली के पास बाई ओर बैठी छात्रा, यहाँ जो छात्रा है, अभी छात्रा के बारे में पता नहीं है, छात्रा जो है बैठी है और फेरी के पास में दाई ओर बैठी हुई है, तो ये जो छात्रा है फेरी के दाई ओर बैठी है, तो फेरी को कहाँ रखे, फेरी को यहाँ रख देते हैं, फेरी को यहाँ रखेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, दाई ओर हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं और कहता है क्या, लीली फेरी के पास नहीं बैठी हुई है, तो फेरी के पास अगर लीली यहाँ नहीं बैठी हुई है, नहीं बैठी है, तो बता लीली कहाँ बैठेगी, यहाँ पे बैठ सकती है लीली। अच्छा एक बात बताओ, अब दो प्लेस बचा हुआ है, दो प्लेस, ये प्लेस और ये प्लेस बचा हुआ है ना, और इस दोनों में क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब एक चीज और बचा हुआ है ना, रोजी मेरी के पास दाई ओर नहीं बैठी है, तो रोजी जो है मेरी के पास दाई ओर नहीं बैठी, मतलब यहाँ पे रोजी नहीं बैठी हुई थी, चलो रोजी का हटा दो, नहीं बैठी हुई, तो अब रोजी कहाँ बैठेगी, तो रोजी या तो यहां बैठेगी या फिर यहां बैठेगी, ठीक है, लेकिन एक पर्सन और छूट रहा है, एक स्टूडेंट और, वो नाम क्या है उसका, डेजी, तो इसका मतलब रोजी अगर यहाँ होगी, यहाँ पे रोजी के साथ कौन भी हो सकते हो पब्लिक में, डेजी, यहाँ पे भी क्या होगी, डेजी, इसका मतलब ये कि अगर रोजी यहाँ होगी तो डेजी यहाँ होगी, या अगर मान लो रोजी यहाँ होगी तो डेजी यहाँ होगी, एक दूसरे का आपस में क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया, अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे वो तो रफ हो गया, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन हाँ इसी से रिलेटेड है, हो जाएगा, ठीक है, चलो हो गया, चलो ओके, थैंक यू।